क्या है भारत का ऑपरेशन व्हाइट वॉश, जिसे याद कर पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। आखिर भारत के काली का पहला मिशन कौन सा था, जिसके कारण चीन पाकिस्तान काली के नाम से कांपते हैं। आखिर 2012 में काली का किस तरह से किया गया था टेस्ट। दोस्तों, इजराइल ने कुछ समय पहले अपने आयरन डोम का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के पास पहले से ही इसका बाप मौजूद है, नाम है काली। ये आपने कई बार सुना होगा। दोस्तों, इसकी ताकत के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने आखिर कब, कैसे और किस तरह से काली को बनाया, किस तरह से भारत ने इसका टेस्ट किया, जिससे सियाचिन में आ गया था बहुत बड़ा तूफान। 2012 में इसकी पहली टेस्टिंग के बाद इस हथियार ने ऐसा रूप ले लिया कि अब तो अमेरिका भी इस हथियार से कांपता है। हालांकि दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस को काबू करने में दुश्मनों की सेना का सफाया करने वाली इस महाविनाशक हथियार को भारत सीक्रेट रखे हुए है, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि मोदी सरकार संसद में भी उसे बताने को तैयार नहीं है। आखिर वो वेपन जब भारत ने बना ही लिया है तो फिर उसे छिपा क्यों रहा है, वो भी तब जबकि पाकिस्तान कहता है कि उसके 130 सैनिकों को यह हथियार जहन्नुम भेज चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि चीन के पास भी ऐसा हथियार है, तो फिर वो भी आज तक इसे छुपाता ही क्यों रहा है। और इजराइल ने इस हथियार को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, तो दूसरे इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी है जो आपका सीना गर्व से 56 इंच का करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 7 अप्रैल 2012, समय सुबह 5:40। देश के टॉप सीक्रेट मिशन टारगेट ब्लॉक कर चुका था। तभी अचानक सियाचिन में भारी मात्रा में हैवी इंपल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार होती है, और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है, क्योंकि ऑपरेशन व्हाइट वॉश सफल हो चुका था। सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक चुकी थी और इलाके में एवलॉन्च आ चुका था। भीषण एवलॉन्च की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे यानी पूरी ट्रेन की रफ्तार से आने वाले इस तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाते हुए पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा दी, यानी करीब 10 मंजिला इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली हथियार के कहर की खबर लगती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी, और यह सब हुआ महज 15 मिनट के अंदर। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। तो यह था ऑपरेशन व्हाइट वॉश, और जिस माहौल में भारत ने इस विध्वंसक हथियार की टेस्टिंग की थी उसका नाम था काली, जो उस घटना के 10 साल बाद अमेरिका से लेकर चीन भी कांप उठते हैं, क्योंकि काली के कहर के आगे न तो इजराइल वाला आयरन बीम टिकता है और न ही चीन का कोई एनर्जी वेपन। और अमेरिका तो खुद मान चुका है कि भारत इस मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। तो फिर भारत की हथियार कैसे बना लिया और कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इसके पहले की मिशन की कमान दी गई थी, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको काली के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार आखिर इसे छुपा क्यों रही है। क्या है भारत का ऑपरेशन व्हाइट वॉश, उस घटना को याद करके आज भी कांप उठता है पाकिस्तान। दोस्तों, एक बेहद सीक्रेट मिशन जिसके बारे में ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई है। इससे ही साफ हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती है। दोस्तों, काली को भारत कभी हथियार स्वीकार नहीं करता है। भारत इसे मात्र एक इंस्ट्रूमेंट बताता है जो अपने डिफेंस डिवाइसेस को टेस्ट करने और सुरक्षा के साथ सामान को मजबूत करने में काम आता है। लेकिन भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान बेहद खौफ जदा रहता है। पाकिस्तान के 130 सैनिकों की कब्र काली ने खोद डाली है, और दोस्तों, ये कहानी है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मौजूद रहकर सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है, यही कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। भारत के पास एडवांटेज ये है कि सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में है, चोटियों के दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना निगरानी करती है। यहाँ पर आपसी झड़प में इतने सैनिक नहीं मरते जितने एवलॉन्च आने से। काली की एंट्री इसी आइडिया से होती है।
भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर एक प्लान बनाया था। प्लान था सियाचिन में उस स्थान पर एवलॉन चलाने का जहां पर पाकिस्तानी चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार। इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन से पैदा होने वाली भीषण गर्मी, ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटी पर ले जाना तो मुश्किल था ही। अगर काली को वहां पहुंचा भी दिया जाता तो ऑपरेट होने पर वहां इतनी गर्मी पैदा कर देता जिससे बर्फीले इलाके पर इसे लगाया जाता वो खुद भी पिघल जाता। तब रॉ ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से हमला किया जाए, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा। शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मिशन, गवाह बना हिंदुस्तान का सबसे भारी वॉर प्लेन IL-76। भारत के भारी भरकम एयर वॉर प्लेन IL-76 पर प्लानिंग तैयार थी, वक्त मुकर्रर था और टारगेट सेट था। बस रॉ इस कोशिश में थी कि ये प्लान लीक न हो जाए, लिहाजा इसे एग्जीक्यूट करने का काम हुआ सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर ओडिशा के एक राज्य कटक में। काली IL-76 पर लोड हो चुका था। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर ये भारी भरकम मशीन है क्या और किस लिए इसे प्लेन पर लादा किया है। खैर, काली हवाई जहाज पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेस पर पहुंचा। यहां पर एक दिक्कत थी कि काली को चलाने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा की बिजली कैसे दी जाए। रॉ ने इसका भी समाधान खोजा। एक यात्री प्लेन का इंजन खुल गया और इसे IL-76 पर लोड किया गया। इससे कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर से काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी साफ कर दिया गया। बस अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन उससे पहले कुछ और तैयारियां बाकी थी। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमले के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता तो रॉ की बड़ी किरकिरी होनी भी तय थी। लिहाजा IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए अब एवॉक्स प्लेन उड़ाया गया, यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह के विमान की घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। एवॉक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इस दौरान यह बात ध्यान में रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से न उड़े ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर न पड़ने पाए। तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई कि कश्मीर से पहले ही IL-76 के लिए फ्यूल रिफिल विमान से सुखोई और मिराज विमानों को हवा में ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया। मिशन को इस कदर सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जा रहे IL-76 जेट विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि ये मिशन है क्या। ये फाइटर प्लेन और IL-76 आखिर जा कहां रहा है और क्यों जा रहा है, आखिर किसी तरह की चूक ना होने पाए, लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी से इसरो के सैटेलाइट अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट सियाचिन में अपने टारगेट यानी पाकिस्तानी बेस से हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। और फिर 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली ने अपने काम को अंजाम दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार ने सियाचिन की चोटी पर बर्फ का तूफान ला दिया और देखते ही देखते पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछ गई। पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी और करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन गई। और उस दिन के बाद से काली के नाम से चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। भारत का अदृश्य तरंगों वाला ये सीक्रेट वेपन काली कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके आगे चाइना का लेजर हथियार प्रणाली भी काम नहीं कर पाती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर काली वजूद में आया कैसे। भारत में किन वैज्ञानिकों ने तैयार किया काली हथियार, आखिर किस तरह से काम करता है भारत का काली, काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदंबरम ने बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ।
काली पर पिछले 33 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। इसका सबसे नया वर्जन काली 10,000 है। अब आपको बता देते हैं काली की तकनीक और कैसे पड़ा इसका नाम काली। काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान पैदा करता है। ऊर्जा का यही तूफान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत खराब कर देता है। ये भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की पूजा करता है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे लगे चिप्स भुन जाते हैं। टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज, मिसाइल, पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सर्किट और चिप्स की इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। यही नहीं, इसके बीम के जरिए यूएवी और सैटेलाइट्स को भी गिराया जा सकता है। काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। यानी जैसे घरेलू कैपेसिटर यानी कंडेंसर काम करता है, जिसमें बिजली जमा होती है। जब उसे कोई छू ले तो जोर का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी तर्ज पर काम करता है। भारत के पास मौजूद काली 10,000 से 40 गीगावाट तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, जो भारत की जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की ऊर्जा जरूरत से कई गुना ज्यादा है। चीन के पास आज भी नहीं है काली जैसा घातक हथियार। लेकिन काली ये ऊर्जा जेनरेट नहीं करता, बल्कि स्टोर करके किसी एक पॉइंट पर इंजेक्ट करता है, वो भी सिर्फ 10 मिलीसेकंड। यानी कि हजारों बिजलियां एक साथ गिरने जितना झटका लगता है और खेल खत्म। बताया जाता है कि काली को शुरुआती समय में भारत ने अपने सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए बनाया था। योजना थी कि काली को कुछ भारतीय सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य की पहली किरणों से भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, भले ही सरकार काली का वजूद स्वीकार न करती हो, लेकिन भारत के दुश्मन इसके नाम तक से कांपते हैं। दूसरे, इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच टकराव चल रहा है, और इस बार भारत भी डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए न केवल तैयार है, बल्कि इस बार ड्रैगन का जबड़ा फोड़ने का पूरा इंतजाम भी हो चुका है। और दोस्तों, भारत के पास यही वो ब्रह्मास्त्र है जो न केवल चीन का भुड़ता बना देगा, बल्कि उसे हमेशा के लिए तहस नहस कर देगा। अब भारत का जिगरी दोस्त इसराइल अपने एनर्जी वेपन का टेस्ट कर चुका है और वो भारत को भी इसे देने का ऑफर दे चुका है। यानी अब इसराइल की वही तकनीकी विभाग के काम आ सकती है, और काली की ताकत तो पहले से मौजूद है ही। वैसे तो आप इस मामले में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।